एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो कल रात को हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे आने में। महिमा के पास गए थे मेरी क्लास के लिए और उसके बाद हम लोग शॉपिंग में गए थे। तो उसके बाद इतना लेट हो गया कि ना तो हम व्लॉगिंग कर पाए और इतने थक चुके थे, जनपद भी नहीं जा पाए। हाँ, हमने बोला था कि जनपद जाएंगे आज, हम व्लॉग में बता रहे थे, पर वो जनपद नहीं जा पाए। और फिर वहीं से ही बस साइड से हम लोग शॉपिंग करके वापस आ गए। तो आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम? हाँ, हम एक इवेंट कंपनी के साथ हमारी मीटिंग है और हमारे साथ जाएगा सौरभ, जो जिसको आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा। तो बस अभी उसको पिक करने वाले हैं हम रास्ते से, उसके बाद पहुँचते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। और होपफुली वहाँ से निकलने के बाद हम लोग शायद जनपद जाएं। हाँ, जो कल नहीं जा पाएगा क्योंकि मेरे को कुछ रिटर्न करना है और वो चार दिन हो जाएंगे ना, वो रिटर्न। हाँ, वो फिर भूल जाते हैं, फिर स्लिप वगैरह तो होती नहीं उनकी। तो आज हमारे साथ वहाँ पर जा रहे हैं सौरभ, जिनको हमने पिक कर लिया है। इनको आपने हमारे पिछले दो व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो ये हमारे साथ जा रहे हैं आज, तो देखते हैं मीटिंग कैसी रहती है और उसके बाद हम देखते हैं, जो कल नहीं जा पाए थे आज जाएंगे वहाँ पे और उसके बाद आपसे मिलते हैं और बताते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। मैं बता दे रहा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा थी कल, सबसे गर्म दिन था। अब उसको नॉर्मल तो होना पड़ेगा ना। बढ़िया मौसम हो रहा है भाई। कल तेरे को वो था ना, सर दर्द था कल तेरे को, सब उड़ गए। अब भगवान ने सुन लिया और तेरे को राहत मिल गई। बहुत सही मजा आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है अब लॉन्ग ड्राइव पे निकलने यहाँ से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज इनकी मीटिंग के लिए आए हुए थे, तो मीटिंग बहुत अच्छी रही, सक्सेसफुल रही। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे बहुत अच्छा होगा। सौरभ सर हमारे साथ हैं, तो सौरभ बाबा हमारे साथ। तो देख ही रहे हो जैसा, मतलब कि बढ़िया मौसम हो रहा है दिल्ली का, एकदम मस्त बढ़िया। काले बादल हो गए एकदम, शूट बैक कर रहा हूँ। काले बादल हो रहे हैं। हमने वो गेस्ट परफॉर्म एज अ गेस्ट परफॉर्मर बुला रखा है ना। बढ़िया यार भाई, पेट्रोल भी भराना है। अबे हाँ, टॉप अप करवाना है मेरे को, सही याद दिलाया तूने एकदम। अगर दिल्ली की सड़कों पे से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रैफिक खत्म हो जाए, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी सड़कें हैं दिल्ली की, स्पेशली जो सनसेट के टाइम वो शंकर रोड होता है ना। हाँ यार, ये सबको मतलब क्लिक करी वो जगह ना। मैं मतलब मेरे को हिट करी थी एक बार की अच्छी लगी, तो अब क्या हुआ, मैं जिससे भी पूछता हूँ ना, वो बंदा पहचान जाता है कि वही जगह। मैं वो वहाँ पे जो बुद्ध टेम्पल है ना, कालीबाड़ी जो टेम्पल है, तो मैं स्पेशली वहाँ से एक रास्ता जाता है, एक शॉर्टकट है वहाँ पे, वो सीधा कालीबाड़ी का वही निकलता है शंकर रोड से आते हैं, तो मैं तो स्पेशली इसी वाले रूट से होके जाता हूँ। बढ़िया, स्कूटी पे जाओ अपना, एकदम ऐसा लगता है जैसे बहुत मजा आता है, कहीं से भी निकल जाओ, मतलब तुम पता है स्कूटी पे होता है, मौसम अच्छा होना चाहिए बस। इस वाले मौसम में तो कितना मजा है। जब हम ऋषिकेश में थे ना, वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता था, मतलब कि लगाओ कि मैं वहाँ पे एक सिनेमा हॉल है, तो वहाँ से लेके तपोवन का रास्ते, मतलब कि जो मैप पे दिखाता था बिल्कुल रेड दिखाता था, और पता कितने घंटे की वेटिंग होती थी, 40 मिनट दिखाता था, 5 किलोमीटर के बता रहा हूँ मैं, 4-5 से 6 किलोमीटर के। और स्कूटी होती थी ना, 15 मिनट में निकल जाता था। अब जो रिटर्न करना था वो तो तेरा हो गया है, तूने नया भी ले लिया है, अब तो फर्दर एक्सप्लोर कर रही है ना। तेरे को ऐसी जगह लाना नहीं चाहिए वैसे, और लाओ ना, आंखों में पट्टी बांध के लाओ। बड़ा जूता है ना। ओ भाई साहब, ये देखो दूर से दिखाता हूँ मैं, अब तो ज्यादा बोलेगा ना उसको, ये पड़ता है सीधा, ये मुझे बोलता रहता है कि तू शॉपिंग करती है। और यहाँ देखो, मिरिंडा जैसा लग रहा है। क्या ये रिकॉर्ड प्ले होता है? ये वो तो अंकल बताएंगे। सही है, रनिंग में ग्रामोफोन। ये दो लोग अब खाएंगे गोलगप्पे। अब क्या हो गया, तेरी बिगाड़ी भी आ जाती है मेरी नहीं, अब तो वो भी है। अच्छा
गोलगप्पे खाने से पहले शक्ल देखो, एक्साइटमेंट वाली कितनी। तू खाने से पहले ही इतनी एक्साइटेड है? पूरा अच्छे से फील करके खाया जा रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं खाने की तलाश में आफ्टर गोलगप्पा। अब खुल गया ना पेट में जगह और खुल गई है। ये बड़ा अच्छा का कॉन्सेप्ट है यार, गोलगप्पे खा के पेट को खोला जाता है पहले, ठीक है फिर नहीं खाना चाहिए, उसके बाद अब खाना जाएगा। ज्यादा खाओगे आप जैसे पंडित वो किसी घर भोज करने जाते हैं ना, पहले खीर खाते हैं, पहले खीर खाते हैं। तो अब हम खाने की तलाश में निकल गए हैं दिल्ली का भ्रमण पे। अब देखते क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सौरभ, क्या खाने का मन है? वैसे तो मन तो उसका था यार, वो नहीं होती तवे पे ब्रेड सेक के उसके अंदर टिक्की लगा के काट के, तो ये पूरा मिलेगा जाती है मिलेगा। एम टू के रोहिणी वहाँ मिलती है, वो मिलेगी सिर्फ दही भल्ले खाता था जो मैं अभी भी खाता हूँ अच्छे से। हम लोग खा रहे हैं पाव भाजी, इतनी जबरदस्त भूख लग रही है। ये लोग वेट भी नहीं कर रहे हैं, बस खाए रहे हैं। पेट का सीन नहीं है वाला, मजा आ गया मतलब स्टाइल लेके भैया की। मुझे लग रहा है कि ये इस पे जितना मीठा होगा ना उससे डबल मीठा भैया की स्माइल लेना चाहिए। थैंक यू भैया जी, थैंक यू जी। आ गया आज का डेजर्ट। क्या नाम है सर? कुल्फी फलूदा। कुल्फी फलूदा पिला दे। नहीं यही है मेरा भी। अच्छा वाह, खा के दिखाओ सौरभ। वाह कैसा है? मतलब चलो बहुत सही बोल रहे। अभी इस टाइम बज रहे हैं शाम के 8:30 और हमने काफी मस्ती भी कर ली है, कुछ खा भी लिया बहुत सारी। बहुत खा लिया यार, थोड़े ही खाया, तो ऐसा बेइज्जती मत किया यार। बहुत खा लिया भाई, गोलगप्पे से शुरू हुए थे और किस पे खत्म हुआ है? रस थोड़ा थोड़ा नहीं, क्या है कुल्फी फलूदा थोड़ा थोड़ा। तुम लोगों ने तो कम खाया ना, तुम तो एक आइटम में एक आइटम शेयर करते हैं, फायदा होता है शादी करने का, इसलिए तुम्हें भी कर लेनी चाहिए। कैलोरीज बचेंगी, कैलोरीज कम जाएगी। थोड़ी गेनिंग कर ली है तो मुझे थोड़ी गेनिंग करनी है, तो टाइम है। शादी के बाद वैसे भी गेन हो जाता है। वो भी एक तरीका है गेन करने का। काफी देर से हम रास्ते में बहुत सारी म्यूजिकल बातें कर रहे थे, कुछ यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने कुछ चीजें रिकमेंड करी सुनाई और मजा आ गया, एकदम म्यूजिकल जर्नी बन गई आज की हमारी। ऊपर से मौसम का इतना प्यारा तोहफा, क्या मौसम था, बहुत कुछ पता है तुमको म्यूजिकली। हमारे लोग भी आपको पहचानने लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट करूँ। और फिर हम हमारे यहाँ पे प्रमोशन होगा तुम्हारे, क्रॉस प्रमोशन है, क्रॉस प्रमोशन। तो मिलते हैं हम लोगों से थोड़ी देर में, अभी हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे और फिर हम अपने घर की तरफ जाएंगे। बाय 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 बाय।